हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल सॉफ्ट गुलाब जामुन, बिल्कुल मार्केट वाली जैसी। और यहाँ पर आपको ना तो इसके लिए खोया या मावा की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसे बहुत ही कम चीज़ों में बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, हम इसे कट कर कर दिखाते हैं कि बिल्कुल हमारा सॉफ्ट गुलाब जामुन बना है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया था, इसमें हमने 1 गिलास कच्चा दूध इसमें डाल दिया है और दूध में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो इसमें हम 1 कटोरी मैदा लेंगे। मैदा हमारा बिल्कुल साफ़ है, इसे हमने छलनी से छान लिया था। तो मैदे को हम दूध में थोड़ा थोड़ा कर कर मिलाएंगे, ताकि एक बार डालने से इसमें गुठलियाँ बन जाएगी, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिलाते हुए और एक चम्मच से चलाते रहेंगे। मैदा को हमने दूध में अच्छी तरह से मिला लिया है और इसी तरह से चलाते हुए हम इसका डो बना लेंगे। तो डो हमारा बन गया है। अब हम इसमें 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर डाल देंगे। जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था, उसी कटोरी से हमने 1/2 कटोरी इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है। और डो हमारा बनकर तैयार हो गया, तो इसे हम एक थाली में रख लेंगे, ठंडा हल्का होने देंगे। अब यहाँ पर हम उसी पैन को साफ करके इसमें हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था, उसी कटोरी से हमने यहाँ पर 1/2 कटोरी चीनी लिया है। और 1/2 कटोरी के अनुसार हम इसमें 3 कटोरी इसमें पानी डालेंगे, यानी कि जितना हम चीनी लेंगे उससे डबल हम इसमें पानी डाल देंगे। और इसे हम घुलने तक पका लेंगे। चाशनी हमें ना ही तो ज़्यादा गाढ़ी बनानी है, बिल्कुल थोड़ा सा, या जब देखिए इस तरह से जब चिपचिपा हो जाए तो बस समझिए कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। हमें इसमें 1 तार या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। और यहाँ पर हमने 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें साबुत इलायची को तोड़कर डाल सकते हैं। चाशनी को हम दूसरे गैस की तरफ रख देंगे ढककर, और डो हम अपना देख लेते हैं। तो डो हमारा हल्का ठंडा हो चुका है, तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच हाथों में इस तरह से घी लगाकर इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। और आप इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लें। और इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे, और इसमें घी हम 3 से 4 चम्मच और इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसमें घी और डाल दिया है। और इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट बनाने के लिए 2 मिनट तक इसी तरह से मसल कर तैयार कर लें। डो हमारा रेडी है। तो 1 ठो हम गुलाब जामुन इस साइज़ के हम बनाकर रख दिए हैं आपको दिखाने के लिए, कि इसी साइज़ के हम गुलाब जामुन सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा डो लेंगे, और इतने डो में हमारा इतने बड़े साइज़ का गुलाब जामुन बन जाएगा। तो इस तरह से हथेलियों से इसे गोल बिल्कुल करते जाएँ, और इस तरह से इसमें कहीं भी कोई भी दाग बिल्कुल भी ना रहे। इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल यह मार्केट में जिस साइज़ के गुलाब जामुन मिलते हैं, उसी साइज़ के हमने सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। गैस पर हमने पहले ही कढ़ाई को चढ़ा दिया था, ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे रिफाइंड ऑयल में। तो यहाँ पर हम सारे गुलाब जामुन को जो बनाकर रखे थे वह हम डालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम इसमें 3 से 4 गुलाब जामुन इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसे बहुत ही हल्के हाथों से इसे टच करना है। कोई भी चम्मच या फिर इस तरह से आप जाली ले सकते हैं। इसे बहुत ही हल्के हाथों से इसे टच करते हुए इसे पलटें। तो यहाँ पर देखिए, हमारा गुलाब जामुन का कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। और गुलाब जामुन हमारे फ्राई होकर अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। बस इससे ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए। तो गुलाब जामुन को हम चाशनी में डाल देते हैं, और इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने आपको उस समय जाली से पलट कर दिखाया था, यहाँ पर हम चम्मच के जो पीछे साइड की डंडी होती है उससे हम पलट रहे हैं। तो ये भी गुलाब जामुन हमारे अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। इसका कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो सारे गुलाब जामुन को हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसे अब हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी को हमने इस कटोरी में रख लिया था, इसी कटोरी में हम सारे गुलाब जामुन को रख लेते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से एक प्लेट में भी इसे निकाल कर खा सकते हैं, या तो आप इस तरह से कांच की कटोरी में भी इसे रख सकते हैं और इसके ऊपर थोड़े से चाशनी डाल दें। और यहाँ पर हम कटे हुए थोड़े से काजू से इसे अच्छी तरह से सजा देंगे, ताकि यह देखने में और भी अच्छा लगे। तो गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें,
और यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए, कट कर कर हम आपको दिखाते हैं कि गुलाब जामुन हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं।